तो दानिश तैमूर अपने आप को फुली रेडी कर रहे हैं दोबारा एक टॉक्सिक और एक आशिकी वाले रोल करने के लिए। मैंने आपको एक शॉट दिखाया था जिसमें दानिश तैमूर पूल में है और मतलब वो काफ़ी बॉडी शॉडी भी बना रहे हैं, सिक्स पैक उनके तकरीबन बन चुके हैं, तो उससे ही कन्फर्म हो जाता है कि इस दफ़ा फिर वो चांद तारा वाले कॉमेडी रोल से निकल कर वापस अपने कंफर्ट जोन में आने जा रहे हैं और एक वैसा ड्रामा करने जा रहे हैं जैसे उनके ड्रामाज आते हैं दीवानगी, इश्क है और कैसी तेरी खुदगर्जी। इसके अलावा उन्होंने एक गेम शो में कंफर्म भी कर दिया है कि उन्हें दोबारा एक आशिकी वाला रोल, जैसे वो आशिक बनते हैं वैसा रोल एक ऑफर हुआ है, तो क्या उन्हें वो करना चाहिए या नहीं। तो उनके पास स्क्रिप्ट पहुँच चुकी है, दोबारा वही टॉक्सिक रोल की ऑफर हुई है उन्हें, अब देखते हैं कि वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अब मैं आपसे सिर्फ यही पूछता हूँ कि क्या आप उनको दोबारा वही दीवानगी, इश्क है, कैसी तेरी खुदगर्जी जैसे वो ड्रामास करते हैं इस तरह के रोल में देखना चाहते हैं या नहीं, या आप क्या चाहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट करें। अब वहाँ पर बैठी ऑडियंस का ज़्यादातर रिएक्शन यही था कि आप इस ड्रामे को हाँ करें, आप ये ड्रामा करें, और दूसरी बात ये कि आप इस ड्रामे में उनके अपोजिट किसको देखना चाहते हैं, यमुना जैदी को, हिबा बुखारी को, दुरेफिशा सलीम को या फिर किसी और एक्ट्रेस को। और बाकी इस ड्रामे के बारे में मेरे पास जैसे ही कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो बाकी आप दानिश तैमूर के अपकमिंग ड्रामे को लेकर कितने एक्साइटेड हैं या आप कैसा रोल उनका देखना चाहते हैं और उनके अपोजिट किसको देखना चाहते हैं, आपका जो भी फीडबैक हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।